जो प्रॉपर्टी आज हम देखने जा रहे हैं उसके अंदर आपको इस गेटेड कम्युनिटी में ये टेम्पल मिल जाता है, इतनी ग्रीन लोकेशन मिलती है और सामने जैसा कि आप देख सकते हैं सेफली गाड़ियों को पार्क करने का एनवायरनमेंट मिल जाता है। सो जो आपने गेट देखा यही हमारी गेट है सोसाइटी की, जहाँ पे हमें गार्ड परमिशन के साथ अंदर आना होता है और वहीं से हमें ई रिक्शा मिल जाता है नवादा मेट्रो स्टेशन के लिए। बाकी पूरी सोसाइटी में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी, इस तरह के बड़े बड़े पेड़ मिल जाएंगे। सेकंड गेट इस तरफ मिल जाता है जो शाम में बंद हो जाता है और आपको आपकी गाड़ियाँ लगाने के लिए चौड़ा चौड़ा पार्किंग स्पेस मिल जाता है। आइए अब हम चलते हैं फ्लैट के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बढ़िया सा ग्रीन लोकेशन के ऊपर 3BHK फ्लैट लेके आए हैं जो हमें मिलता है द्वारका सेक्टर 3 दिल्ली पब्लिक स्कूल से काफ़ी ज़्यादा पास में। इस प्रॉपर्टी की विशेषता पे आते हैं तो यहाँ पे हमें गेटेड कम्युनिटी मिलती है जहाँ पे हमें गार्ड मिल जाएगा, साथ ही साथ मेट्रो काफ़ी ज़्यादा पास में है। सीधा नवादा मेट्रो स्टेशन के लिए ई रिक्शा मिल जाता है सोसाइटी गेट पे और सोसाइटी गेट पे पहुँचने में हमें लगता है 50 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि 1 मिनट। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये लोकेशन में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको बहुत ही बढ़िया चौड़ी रोड मिलेगी, आराम से आप उस गाड़ी पार्किंग लगाओ, किसी भी तरह के ट्रैफिक में फंसे बिना आप इस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप गुड़गांव में सर्विस करते हैं या फिर NSUT कॉलेज या दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में काम करते हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, लिफ्ट के साथ आती है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है और एक फ्लोर पर केवल एक यूनिट है, तो आपको किस तरह की चिक चिक पिक पिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। जैसे ही आप इसे वीडियो को देखते हैं इस कोड के साथ में कॉल करके इसे बुक कर लीजिए बिकॉज ये बचेगी नहीं। आइए दिखाना शुरू करते हैं प्रॉपर्टी। सो दोस्तों ये है हमारी लिफ्ट जिसको लेकर आप ऊपर आएंगे और यहाँ पे लिफ्ट के सेंसर काम कर रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी लिफ्टें देखी है जहाँ पे सेंसर काम नहीं करते हैं और एक बार हमारे परिणय लिफ्ट के गेट के चपेट में आते आते बचे थे। खैर यहाँ पे सब कुछ वर्किंग है, इंडिपेंडेंट फ्लैट है और ये जो कॉमन स्टेयर केस है ये आपको मिलता है आपके फ्लैट तक जाने के लिए, तो आप अपने शू रैक को यहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। साफ़ सुथरी कंडीशन का फ्लैट है और आपको इस SSK सेफ सी डोर के साथ में मिलता है। यहाँ से आते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। इस फ्लैट के अंदर आते ही मैं आपको सबसे पहले आपके इस फ्लोर का फ्लोर प्लान बता देता हूँ, यानी कि इस फ्लैट का फ्लोर प्लान बता देता हूँ। पीछे की तरफ हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं, शाफ्ट मिलती है और कॉमन वॉशरूम मिलता है। ऊपर आपको लाइट वर्क काफ़ी अच्छा मिलेगा, एक किचन और एक बेडरूम हमें फ्रंट की साइड में मिलता है और जो आपने ओपनिंग शॉट देखा था वो देखा था हमारा बालकनी का फ्रंट वाली साइड की अटैच बालकनी से। सबसे पहले आपको हम इस प्रॉपर्टी के फ्रंट साइड यानी कि किचन और फ्रंट बेडरूम की ओर लेके चलते हैं बिकॉज सबसे बढ़िया पार्ट और जो सबसे खूबसूरत और साफ़ सुथरा हवादार पार्ट है वो मुझे वही लगा था। यहाँ से आते हैं हम इस किचन के अंदर। इस किचन की विशेषता ये है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और अच्छे साइज़ में बनी हुई है और ऐसा व्यू जो कि आपको रोज़ रोज़ नहीं मिल सकता है वो मिलता है आपको इस किचन से। इस तरह का ग्रीन व्यू जनरली मिसिंग रहता है ख़ास तौर पे उत्तम नगर की प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे आपको ये एक USP मिल जाती है। इसके अंदर आप घूम घूम के खाना बनाओ आपको किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौड़ाई आपको प्रॉपर 6 फीट मिलती है, नीचे टाइल से भी और ऊपर हाथ से नापते हैं तो भी, और ऐसे अगर आप देखते हैं तो ये लगभग 8 फीट के आसपास है। यहाँ पे आपको पूरा मॉड्यूलर काम मिलता है, सॉरी मॉड्यूलर दराज आपकी ये वाली है। इस तरह का बास्केट एंड ऑल के साथ में काम मिलेगा, यहाँ पे आपको मार्बल मिलेगा, ओवरहेड स्टोरेज मिलेगा, चिमनी नहीं लगी हुई है वो आपको लगवानी पड़ेगी और यहाँ से बाहर आएंगे इधर की तरफ अपना फ्रिज लगा के अपने फर्स्ट बेडरूम में मूव कर जाएंगे। दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 1। साइज़ अगर आप देखते हैं तो 11 फीट आपको ऐसे मिलता है और लगभग 10 फीट 10x11 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। इसमें आपको एक वार्डरोब मिलती है अटैच जो काफ़ी बड़े साइज़ की है। इधर आपको मिलेगा एक अटैच वॉशरूम जिसमें हमें वेस्टर्न सीट मिल जाती है, साइज़ 6 फीट x 4.5 फीट 6x4.5 का साइज़ है। यहाँ पे आपको शाफ्ट मिलती है वेंटिलेशन के लिए और यहाँ से बाहर निकलते ही आ जाते हैं हम अपनी बालकनी पे।
मुझे ये बालकनी कुछ ज़्यादा ही पसंद आई दोस्तों, क्योंकि ये वाली बालकनी जो है द्वारका के अंदर जब हम लेने निकलते हैं तो इस तरह की व्यू वाले जो फ्लैट हैं प्रॉपर द्वारका के अंदर 2 BHK प्रॉपर्टी में आपको रेंटल मिलता है लगभग 25,000 से 28,000 रुपए के बीच में। यहाँ पे ये ऑन पेपर द्वारका नहीं है, दैट इज़ वाई इसका रेंटल इतना ज़्यादा कम है। खैर, इस तरह का व्यू आपको मिलता है, एक बार नीचे कैमरा करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हल्की सी नज़र मार लीजिए, कुछ इस तरह का साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिलता है और सामने आपको कोठी बंगले वाले लोग मिलते हैं दोस्तों, तो महंगे महंगे लोग, महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़। इधर से आते हैं आप आगे थोड़ा सा, यहाँ पे हमें स्टोरेज भी मिल जाती है, साथ ही साथ हमारा कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है। सबसे पहले आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देते हैं, ये आपको मिलता है 6x4 के साइज़ में एक इंडियन सीट, और यहाँ पे आप कुछ छुपा सकते हैं, कुछ सजा सकते हैं और छुपा के ढक भी सकते हैं। वैसे ये वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट बनाई गई थी, बट कुछ बहुत पार्ट इसका कवर्ड है तो वेंटिलेशन हम पीछे से ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ की शाफ्ट है। ये आता है हमारा बेडरूम नंबर 2, इसका आप साइज़ देखोगे तो ये आपको मिलती है इस तरह से 11 फीट, इस तरह से लगभग 9 फीट, 9x11 के साइज़ का बेडरूम नंबर 2। कंट्रास्ट वॉल ये आपका मिल जाएगा शाफ्ट, आपको ऊपर आपको फैन लगा हुआ मिलता है और यहाँ पे कुछ लगाया और बनाया गया है जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ से आप आगे आते हैं, ये आपको मिलता है आपका बेडरूम नंबर 3। मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी तो आप आराम से इस पार्ट को रिवाइंड करके देख सकते हैं। साइज़ 12 फीट ऐसे मिलता है आपको और ये आपको मिल जाता है 11 फीट, 12x11 के साइज़ में आपको बेडरूम नंबर 3 मिलता है, सबसे बड़ा बेडरूम है। और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है हमारी शाफ्ट, इस शाफ्ट के अंदर आप चाहें तो नीचे की ओर AC अपना लगवा सकते हैं, और तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो पहले के टाइम की बनी हुई प्रॉपर्टी है, लगभग 4-5 साल पुरानी होगी ये, और स्पेशियस है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आपको मिल जाता है हमारा वॉशरूम दोस्तों, वॉशरूम आपको मिलता है 5 फीट चौड़ा और इस तरह से देखेंगे तो 7 फीट, और शाफ्ट इस तरफ है। ये शाफ्ट हमारा बेडरूम नंबर 2 और हमारा वॉशरूम यूज़ करता है। तो दोस्तों ये भी हमारी प्रॉपर्टी आज की 3 BHK फ्लैट द्वारका सेक्टर 3 दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में, जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट यूनिट मिलती है, फ्रंट साइड में एक बढ़िया सी बालकनी मिलती है और कनेक्टिविटी मिल जाती है नवादा मेट्रो स्टेशन की, और साथ ही साथ ये खूबसूरत सी लोकेशन मिलती है हमारे इस फ्लैट के अंदर आने की और रहने की। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप जल्दी से जल्दी रेंट आउट करना चाहते हैं और सही लोगों तक अपनी प्रॉपर्टी को पहुंचाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और हम उसे अपने चैनल BRS रेंटल्स के ऊपर पब्लिश करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को सही लोगों तक पहुँचा देंगे। आशा करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की किसी भी और वीडियो को देखना चाहते हैं या सेल के फ्लैट में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे दूसरे चैनल BRS शो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।